हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल स्मार्ट काउंटिंग आरएसएनआर पे। मैं हूं मोहन सुथार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम फैक्टेक्स काउंटिंग सॉफ्टवेयर में लेजर किस प्रकार बनाते हैं और उन लेजर का अकाउंट पैरामीटर किस प्रकार से सेट किया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने कई बार मुझसे ये रिक्वेस्ट करी थी भी मैं टेली सॉफ्टवेयर के अलावा, विजी सॉफ्टवेयर के अलावा फैक्टेक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अकाउंट्स किस प्रकार से मेंटेन किया जाता है उसका भी वीडियो आपके लिए लेके आऊं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम फैक्टेक्स काउंटिंग सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकल तरीके से कंपनी किस प्रकार क्रिएट करी जाती है उसका फर्स्ट पार्ट वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको फैक्टेक्स सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करने का तरीका है वो पता होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि फैक्टेक्स सॉफ्टवेयर में जब कंपनी क्रिएट करते हैं तो इस सॉफ्टवेयर में, जैसा कि हम टेली सॉफ्टवेयर में या फिर विजी जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करते हैं, उससे थोड़ा सा हटके है इसका तरीका फैक्टेक्स सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करने का। तो आपको इस वीडियो को देखने से पहले इस कंपनी क्रिएट करने वाला जो हमारा वीडियो उसको आप जरूर देखिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऊपर आपको आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप कंपनी क्रिएट करना भी जरूर सीखिए इस वीडियो को देखने से पहले। तो दोस्तों, फैक्टेक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का जो यूज है वो सबसे ज्यादा ग्रेन मर्चेंट और जो कमीशन एजेंट्स के जो व्यापारी होते हैं वो सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अगर हम इसको सिंपल भाषा में बात करें तो जो धान मंडी के जो व्यापारी होते हैं वो फैक्टेक्स सॉफ्टवेयर को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी प्रॉपर तरीके से धान मंडी की अकाउंटिंग को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है फैक्टेक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर टेली सॉफ्टवेयर, बिजी सॉफ्टवेयर के अलावा फैक्टेक्स सॉफ्टवेयर की भी वीडियो अब आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको पसंद आई, नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें फैक्टेक्स सॉफ्टवेयर में लेजर बनाने कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो हमें फैक्टेक्स सॉफ्टवेयर में, जैसे कि हम अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जब यूज करते हैं तो उसमें हमारे जो बिजनेस से रिलेटेड जो हमारे लेजर होते हैं उनको हम क्रिएट करते हैं, लेकिन इस सॉफ्टवेयर में आपको सबसे पहले टोटल लेजर्स, आपको ऑफ बुक्स के जितने भी आपके बुक्स के लेजर हैं वो आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। अब बुक्स का लेजर का मतलब जो एज पर धान मंडी के रूल के अकॉर्डिंग जो लेजर हमें क्रिएट करने पड़ते हैं, जैसा कि आपने इस टाइप का इनवॉइस जरूर देखा होगा और इस इनवॉइस में आपने देखा होगा भी कमीशन भी लग के आता है, तुलाई भी लग के आती है, गौशाला भी लग के आती है, लेबर भी लगती है, मंडी टैक्स भी लगता है, कृषि कल्याण फीस भी लगती है, उसके अलावा आपको सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स भी पे करना होता है। तो ये जो कॉमन लेजर है धान मंडी के वो आपको सबसे पहले क्रिएट करने होते हैं। उसके बाद में ये कैसे क्रिएट होते हैं ये सब कुछ हम प्रैक्टिकली इसी वीडियो में जानने वाले हैं, तो अब बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक आप। और उसके बाद में जो आपके सैंडरी क्रेडिटर्स के लेजर हैं, जैसा कि आपके फार्मर है, आप फार्मर से जींस परचेज करते हो या फिर आप किसी रजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते हो, तो वो आपको सैंडरी क्रेडिटर का लेजर क्रिएट करने पड़ते हैं। उसके अलावा सैंडरी डेटर्स, यानी कि जिन्हें आप जींस सेल करते हो, आपकी कोई मिलर है या फिर आपका कोई रजिस्टर्ड डीलर है, तो उनके लेजर आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। और उसके अलावा जो भी आपकी बिजनेस के एक्सपेंसेस या फिर इनकम के जो लेजर है वो आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भी सॉफ्टवेयर में लेजर क्रिएट कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ऊपर आपको कुछ मेन्यू बार में कुछ आपको टैब बटन यहां पर दिखाई देंगे, इसमें आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा मास्टर पे, और मास्टर पे जाने के बाद आपको सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे अकाउंट्स, और अकाउंट्स पर हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक लेजर आपके सामने ऑलरेडी बना हुआ आ जाएगा कैश इन हैंड का, और उसके बाद में सारे लेजर हमें यहाँ पर क्रिएट करने पड़ते हैं। और जो क्रिएट करने की जो कमांड है शॉर्टकट वो है कंट्रोल के साथ ए। तो जैसा ही हम कंट्रोल ए के साथ यहाँ पर बटन प्रेस करेंगे तो ये विंडो हमारे सामने ओपन होके आ जाएगी। तो अब इसके अंदर, जैसा कि आप टेली सॉफ्टवेयर या बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या अब इसके अलावा कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, तो सबसे पहले हमें लेजर का नाम हमें देते हैं और उसके बाद में हमें ग्रुप सिलेक्शन करना पड़ता है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आपको ग्रुप जो है आपका वो सबसे पहले देना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले हमारी जो बुक्स के जो मेन लेजर होते हैं वो हम क्रिएट करेंगे, जैसा कि हमारे कमीशन, तुलाई, गौशाला, ये सब कुछ लेजर हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। तो अब कमीशन, अभी ग्रेन मर्चेंट्स का जो व्यापारी होता है, जिसको हम कच्ची अर्थ का व्यापारी बोल देते हैं, उनका जो इनकम का मेन सोर्स होता है वो होता है कमीशन का। तो यानी कि एक कच्ची अर्थ के व्यापारी के लिए ये जो कमीशन का जो लेजर बनेगा वो होता है इसका
इनकम का लेजर। तो सबसे पहले हम लेजर यहां पर क्रिएट करेंगे और यहां से ग्रुप का सिलेक्शन कर देंगे इनडायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट में। तो ये सेम आपके जो ग्रुप है वो आपको यहाँ पर सेम टेली या बीजी जो सॉफ्टवेयर जैसे उनसे रिलेटेड सभी ग्रुप आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ग्रुप ऑलरेडी यहाँ पर सॉफ्टवेयर में क्रिएट होते हैं। तो इनकम आपको, उसके बाद लेजर नंबर। अब ये लेजर नंबर का भी ऑप्शन आपके सामने आता है तो यहाँ पर आपको वो लेजर नंबर देना होता है। मान लीजिए आपकी मैनुअल बुक्स भी साथ चल रही है और आपने मैनुअल बुक्स में जो कमीशन का जो लेजर आपने क्रिएट किया हुआ है वो लेजर आपने मैनुअल बुक्स के कितने नंबर पेज पर उसको क्रिएट किया हुआ है तो वो लेजर आप नंबर यहाँ पर दे सकते हो। अगर आपकी बुक्स टोटल 100% कंप्यूटर है यानी कि आप टोटल काम फैटेक्स सॉफ्टवेयर पर करते हो तो आपको यहाँ पर नंबर देने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद हम नेम के अंदर हमारा कमीशन का जो लेजर है जिस नाम से हम क्रिएट करेंगे उसका नाम हम क्रिएट करेंगे कमीशन के नाम से और लीगल नेम में भी हम सेम नाम डाल देंगे। और उसके बाद में शॉर्ट नेम अगर आप यहां पर देना चाहें तो हम दे सकते हैं, अदरवाइज हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब इसके अलावा हमें इनडायरेक्ट इनकम या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जब हम लेजर क्रिएट करते हैं तो हमें बाकी फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं होती, हमें केवल कमीशन का नाम दिया और सिंपल हम इसको ओके पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये जो हमने लेजर अभी क्रिएट किया कमीशन का वो लेजर यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद में लेजर हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे तुलाई का, तो ये हमारे लिए कंपनी यानी कि हमारी बिजनेस के लिए ये एक तरीके की लायबिलिटी है तो हम इसको रखेंगे करंट लायबिलिटी में। तो यहां पर हम तुलाई का भी एक लेजर क्रिएट करेंगे और इसको शॉर्टकट एल्ट ओ के साथ हम इसको ओके कर देंगे। इसी तरीके से बाकी के जो लेजर है हमारे वो भी हम क्रिएट कर लेंगे जैसे कि गौशाला है तो ये भी हमारी बिजनेस के लिए करंट लायबिलिटी है तो हम इसको भी गौशाला के नाम से लेजर क्रिएट करेंगे। तो ये आप अपने मंडी के अकॉर्डिंग इन सभी को लेजर को सबसे पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद हम हमारे बिजनेस के जितने भी लेजर बचे हुए उन सबको क्रिएट करेंगे बारी बारी से। तो इस तरीके से लेबर मंडी टैक्स सभी को लेजर हम क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद जो लेजर हमारा क्रिएट करने वाला है गौशाला के लिए लेबर और मंडी टैक्स का, तो लेबर ये भी हमारी करंट लायबिलिटीज है। अब इसको करंट लायबिलिटी में हमने क्यों रखा, क्योंकि काफी सारे जो फ्रेशर अकाउंटेंट है यहाँ पर आके कंफ्यूज हो जाएंगे भी लेबर तो हमारी कंपनी के लिए खर्चा है तो हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखेंगे। दोस्तों वो हम ये उस लेबर की बात नहीं कर रहे जो हमने हमारे बिजनेस के थ्रू हमने खुद को उसको पैसा पे किया है, उस लेजर का ये पार्ट नहीं है। ये लेबर ये है जब हम थर्ड पार्टी के लिए कोई गुड्स परचेज किया तो उसके ऊपर जो हमने थर्ड पार्टी से जो हमने खर्चे लिए हैं उनका ये लेजर है। अगर हमने हमारी कंपनी के लिए कोई खर्चा पे किया है अलग से हमने कोई लेबर पे किया है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। तो इसलिए आपको ये धान मंडी की जो अकाउंटिंग है वो प्रॉपर अच्छी तरीके से सीखनी पड़ेगी क्योंकि इसका थोड़ा सा जो बुक्स लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा ट्रेडिंग अकाउंट से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इसलिए हमें पूरा थोड़ा सा देखना पड़ेगा इस वीडियो को एंड तक आपको। इसी तरीके से मंडी टैक्स और उसके बाद हम कृषि कल्याण फीस ये सब लेजर हमने क्रिएट कर रहे हैं। और उसके अलावा हमारे सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स का लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं। तो ये जो टैक्स के लेजर है ये रहेंगे हमारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। तो सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स, तो इस तरीके से ये इतने लेजर हैं हमें कंपलसरी ये बनाने। तो हमने ये लेजर कंपनी जो लेजर हमारी कंपनी के वो हमने क्रिएट कर लिए। उसके बाद में बारी आती है सेंट्री क्रेडिटर जो आपके फार्मर्स हैं उनके लेजर। अब फार्मर्स का नाम आपके पास कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल जैसा कि हम यहाँ पर ले लेते हैं राम सिंह, तो हमें पूरा नाम यहाँ पर लिखना पड़ता है राम सिंह, जो भी एक्स वाई जेड नाम है उसका वो हम लिख देंगे राम सिंह सन ऑफ श्याम सिंह फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं यहाँ पे और प्रॉपर एड्रेस के साथ। तो उसका लेजर जब हम क्रिएट करेंगे तो ग्रुप में हम रखेंगे यहाँ पर सेंट्री क्रेडिटर और उसके बाद यहां पर हम नाम देंगे राम सिंह सन ऑफ श्याम सिंह। अब एड्रेस पूरा जो लीगल नाम है वो हम नाम यहां पर आपको देना पड़ेगा और उसके बाद में आपको प्रॉपर एड्रेस यहां पर डालना पड़ेगा। तो लीगल नेम में भी हम एक बार राम सिंह सन ऑफ श्याम सिंह
पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार फॉर एग्जांपल कुछ भी एक बार एड्रेस में डाल देता हूँ, और उसके बाद में ये पूरी जो डिटेल है स्टेट हम यहाँ पे डालेंगे, राजस्थान पिन कोड जो भी एरिया का इस फार्मर का जो रिलेटेड पिन कोड एरिया वो हम यहाँ पर पोस्ट करेंगे। उसके बाद अकाउंट टाइप के अंदर आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे, नॉर्मल फार्मर, नॉर्मल या पार्टी। तो ये हमारे लिए फार्मर है तो हम इसको फार्मर की कैटेगरी में यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो हम फार्मर रखेंगे। और उसके बाद में प्रॉपर इसका पेन नंबर, इसकी डिटेल जो भी, इसके बाद में सारी डिटेल जो आएगी वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पर हमें फिलअप करनी पड़ेगी। उसके बाद में जीएसटी का, ये तो अनरजिस्टर्ड डीलर है क्योंकि फार्मर है, तो हम इसको यहाँ से रखेंगे अनरजिस्टर्ड डीलर। अगर आप किसी रजिस्टर्ड डीलर का अगर लेजर बना रहे हो तो प्रॉपर आपको यहाँ पर जीएसटी नंबर देना पड़ेगा। सबसे पहले तो उसका स्टेट कंपलसरी है, स्टेट देने के बाद जीएसटी नंबर कंपलसरी है, पेन नंबर कंपलसरी है, और उसके बाद में यहाँ से जीएसटी डीलर में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा रजिस्टर्ड डीलर। और उसके बाद इसकी जो कॉन्टेक्ट डिटेल है वो आप डाल सकते हो अपने सुविधा के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर हम इनका ओपनिंग बैलेंस है जो मेंटेन करते हैं, और यहाँ पर इनकी एक हम लिमिट भी फिक्स कर सकते हैं, डेबिट लिमिट भी हमें इस कस्टमर को, यानी कि ये जो हमारा फार्मर है इसको हम इतने रुपए तक ही पेमेंट देनी है। और ये सीडी परसेंटेज भी हम इनके आगे यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं भी, आपको इन पे कितने परसेंट का कैश डिस्काउंट वगैरह अगर आप देना चाहो तो आप इसको दे सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके की ये विंडो आपके सामने रहती है जब हम लेजर क्रिएट करते हैं उस वक्त। तो उसके बाद हम इसको करेंगे ओके। तो जो जो लेजर हम क्रिएट करते जाएंगे वो सारे के सारे लेजर यहाँ पर हमारे पास आते रहेंगे। तो इस तरीके से हम सारे के सारे लेजर है जो क्रिएट कर लेते हैं। देन उसके बाद में हमें अकाउंट्स के पैरामीटर है जो सेट करने पड़ते हैं इस सॉफ्टवेयर में। तो पैरामीटर सेट करने के लिए हम मास्टर पर जाएंगे, और मास्टर पे जाने के बाद बिल्कुल एंड में आपको ऑप्शन दिखाई देगा सेटिंग का, आपको इस सेटिंग पर क्लिक करना होगा। जैसे हम सेटिंग पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके की सेटिंग से रिलेटेड कुछ विंडो ओपन हो जाएगी। सबसे पहला आएगा कच्चे अर्थ का, उसके बाद में लागत पैरामीटर, अकाउंट पैरामीटर, अदर पैरामीटर, ईयर वाइज पैरामीटर या फिर फॉर्मेट प्रिंट। तो अभी हमें सबसे पहले जो सेटिंग हमें करनी है वो करनी है कच्ची अर्थ की और अकाउंट पैरामीटर की। तो अभी हम दो ये करेंगे, सभी फीचर्स हम यूज करके देखेंगे, लेकिन अभी हमें जो कंपलसरी है जिसकी जरूरत हमें है वो हम करेंगे कच्ची अर्थ की और अकाउंट पैरामीटर की। तो कच्ची अर्थ पर जाएंगे तो उसके बाद में हमारे सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसमें जो जो लेजर हमने जिस जिस नाम से हमने क्रिएट किए थे उनका पैरामीटर हमें सेलेक्ट करना है। तो एक बार हम इन सभी को पैरामीटर को सेट कर लेंगे, उसके बाद में इसको आपको जूम करके फिर से दिखाएंगे। तो कमीशन का हमने कमीशन के नाम से लेजर क्रिएट किया था, एसोसिएशन हमने नहीं बनाया था, गौशाला का लेजर हमने क्रिएट किया तो गौशाला हेड में डालेंगे, वेट चार्जेस यानी कि तुलाई होता है। और इसके अलावा दो लेजर आपको और क्रिएट करने पड़ते हैं यहाँ पे, धन का और जराई का। तो ये दो भी एक्सपेंसेस होते हैं जो यूज होते हैं धान मंडी की अकाउंटिंग में। तो अगर आपके पास लेजर ऑलरेडी क्रिएट नहीं है तो हम शॉर्टकट F3 का यूज करके ये इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इनका लेजर भी हम यहाँ पे लाइबिलिटी में हम क्रिएट करेंगे, और जराई का भी शॉर्टकट F3 हम यूज करेंगे, और इनको भी हम ओके करेंगे। और उसके बाद में हमने मार्केट का मंडी टैक्स के नाम से लेजर क्रिएट किया हुआ है, और कृषि कल्याण फीस के नाम से भी हमने लेजर क्रिएट किया हुआ है, लेबर का लेबर के नाम से हमने क्रिएट किया हुआ है। तो इस तरीके से हमने जो हमारे लेजर क्रिएट किए थे उनका हमने ये कच्ची अर्थ का पैरामीटर जो सेट कर दिया। उसके अलावा आपके पास जो भी जैसे कि वेट ऑफ खत्म हो चुका जरूरत नहीं है, उसके बाद में लेबर आपने कर लिया, उसके बाद में और कैश स्लिप वगैरह है, जो भी आप लेजर यूज करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पैरामीटर जो सेट करना पड़ता है। और उसके बाद में कुछ सेटिंग्स यहाँ पर होती है, ये एजीटी सेटिंग है, इसमें कुछ ज्यादा चेंज करने की होती नहीं है। अगर आप सॉफ्टवेयर आपने यूज परचेज आपने किए तो ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है, इसमें आपको कुछ ज्यादा चेंजिंग करने की जरूरत नहीं होती है। देन हम इसको यहां से करेंगे ओके। और उसके बाद सेकंड काम था हमारा अकाउंट्स पैरामीटर का, तो इसमें भी हमें सेम उसी तरीके से अकाउंट्स के पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे, जैसा कि कमीशन का कमीशन में, गौशाला का गौशाला में। और उसके बाद में अगर आप एसोसिएशन यूज करती है आपकी मंडी के अकॉर्डिंग तो आप यूज कर सकते हो। और उसके बाद में जो जो आपने लेजर क्रिएट किए और जो जो अकाउंट्स आप फॉलो करते हो अपनी बिजनेस में, तो उसको सभी को आपको यहां से सेट करना पड़ेगा। जितने जितने आपने सभी का यहाँ पे फॉर्मेट दिया है, सिर्फ आपको वहां पर उसका नाम है जो देना होगा। तो
तो इस तरीके से जो हमने लेजर क्रिएट किए थे, लेबर वाला मंडी टैक्स का मंडी टैक्स में, तुलाई का तुलाई के अंदर, कमीशन का कमीशन में, गौशाला का गौशाला में, और उसके अलावा और काफी सारे यहाँ पर पैरामीटर जैसा कि कृषि कल्याण फीस है, तो वो भी हमें यहाँ पर देना पड़ेगा और इसको हम करेंगे ओके। तो इस तरीके से जो शुरुआत में हमें जो सेटिंग करनी है वो हमने कच्ची अर्थ की और अकाउंट्स पैरामीटर में करनी होती है, देन हम इसको करेंगे यहां से क्लोज। अब बात आती है भी हम जो सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स का जो हमने लेजर क्रिएट किया था इसका पैरामीटर में कहां सेट करना पड़ेगा। इसके लिए हम जाएंगे मास्टर पे और उसके बाद आपको जाना होगा इस ऑप्शन पे एडमिशन एडमिन फंक्शन पर, और एडमिशन फंक्शन पर जैसे हम जाएंगे तो यहां आपको ऑप्शन दिखाई देगा जीएसटी पैरामीटर का, तो हम जीएसटी पैरामीटर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके सामने ये जीएसटी पैरामीटर के लेजर आ जाएंगे। तो सबसे पहले एसजीएसटी का, तो हमने एसजीएसटी का लेजर क्रिएट कर लिया और उसके बाद में सीजीएसटी का लेजर क्रिएट कर लिया। तो ये हमने लेजर ऑलरेडी क्रिएट थे तो हमने इसके पैरामीटर में इसको सेट कर लिया। अगर आप आईजीएसटी के साथ भी ट्रांजेक्शन करते हो तो यहाँ पर आपको आईजीएसटी टैक्स का भी लेजर क्रिएट कर लेना है और इसको हम बाकी सभी, हम ये जो हमारा रिवर्स एसजीएसटी सीजीएसटी और आईजीएसटी टैक्स है इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी हमें जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम इस प्रोसेस पर पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे हम इन लेजर को क्रिएट करते जाएंगे और इस विंडो को भी हम करेंगे ओके और इसको करेंगे क्लोज। तो दोस्तों ये था हमारे आज के इस वीडियो का, लेजर हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं और लेजर क्रिएट करने के बाद में उसकी अकाउंट में पैरामीटर की सेटिंग किस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे भी हमें जींस किस तरीके से क्रिएट करनी होती है। तो दोस्तों जींस का मीन्स क्या हो गया, जैसा कि हमारा मस्टर्ड है, वीट है, जो भी आपका चना है, ग्वार है, कॉटन है, तो ये सारी जींस होती है। तो इनका जींस हमें किस तरीके से क्रिएट करते हैं, जींस के लिए हम मास्टर पे जाते हैं और उसके बाद में जींस का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देता है और कंट्रोल ए के साथ नई जींस जो क्रिएट करते हैं, लेकिन ये कैसे क्रिएट होती है ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि ये सारा कुछ इसी वीडियो हम करेंगे तो ये वीडियो काफी लेंथी हो सकता है। तो दोस्तों अगर आज की इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक देके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।